अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं सादी खीर बनाना बता रही हूँ। ये देखिए, दूध है आधा लीटर गाढ़ा, साबुदाना है एक कप, भिगा दी मैं इसको एक घंटा पहले। ये दुर्गा घी है, बासमती चावल आधा पाव से, ये पूरा ड्राई फ्रूट्स है, काजू बादाम मिक्स कटा हुआ है, किशमिश, चिरंजी, खोपरा, इलायची कुटा हुआ। बस अभी अभी मैं खीर बनाना बता रही हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाह, ये देखिए चावल पीसने का है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के बारीक नहीं पीसना, मीडियम पीसना, थोड़ा मोटा मोटा रहना। फर्स्ट घी डालना है इसमें 2 चम्मच, मिक्स होने के बाद उसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स भी कटा हुआ, फिर खोपरा, चिरंजी और मिक्स को थोड़ा ब्राउन होने देना। देखिए ऐसा थोड़ा लाइट ब्राउन होना है, बहुत टेस्ट बनती खीर है, सादी खीर। सादा सादी भी अपन ऐसे भी खा सकते हैं, पूरी से खा सकते हैं, दोशे से भी खा सकते हैं, बहुत टेस्ट रहती है। देखिए इस तरह ऐसा घुमाते रहना, हाथ रोकना नहीं तो जल जाते ना, तो अच्छे नहीं लगते ड्राई फ्रूट्स। बिस्मिल्लाह, देखो ये हो गया हमारा ये। अभी इसमें फर्स्ट दूध डालने का रहता, आधा लीटर है ये दाढ़ा वाला, इसको गरम गरम किया हुआ ही था दूध, थोड़ा से हल्का गरम और होने के बाद उसमें हम डालेंगे चावल पीसे हुए। फर्स्ट डालेंगे साबुदाना, फिर हाथ चलाते ही रखना नहीं, हाथ ऑलरेडी गरम था ना दूध, तो इसलिए मैं डाल दी हूँ ये चावल, डाल दी मैं इसमें। देखिए इस तरह घुमाते ही रहना ऐसा स्लो स्लो, क्यों अभी यूं बोले तो चावल है ना नीचे लग जाते स्टार्टिंग लूंडे बन जैसा ऐसा। देखिए अभी शक्कर डाल रही मैं, बिस्मिल्लाह, एक पौसेर है शक्कर, ये पौसेरे से अभी इसको घुमाते रहना इसी तरह ऐसा ऐसा गोल स्लो स्लो। देखिए अच्छी खुशबू आ रही माशाल्लाह। अभी इलायची पाउडर मैं थोड़ा देर के बाद डालती हूँ, अभी नहीं डाली इलायची पाउडर, अब इसमें सब डाल चुकी हूँ, शक्कर सब हो गया, कल इलायची पाउडर लास्ट में डालना रहता है उतारने के टाइम पे। ये साबुदाना थोड़ा ऐसा नहीं गला है अभी, थोड़ा होने तक पकाना है इसको अच्छा से, माशाल्लाह बहुत टेस्ट बनती है। हो गई खीर अपनी, खीर बन चुकी है ये, अभी इलायची पाउडर अभी डालना लास्ट में, क्यों बोले तो लास्ट में खुशबू के लिए डालते हैं, फर्स्ट नहीं लास्ट में डालना है इसको, थोड़ी देर ऐसा मिक्स करके बस इसी तरह घुमाते हैं। ये देखिए हो गई खीर, हो गई खीर अपनी, खीर बन चुकी है ये, अभी इलायची पाउडर अभी डालना लास्ट में, क्यों बोले तो लास्ट में खुशबू के लिए डालते हैं, फर्स्ट नहीं लास्ट में डालना है इसको, थोड़ी देर ऐसा मिक्स करके बस इसी तरह घुमाते हैं। ये देखिए हो गई खीर, मैं ऑफ कर रही हूँ चूल्हा। रेडी हो गई, देखिए खीर बन चुकी है ये हमारी, रेडी है माशाल्लाह, बहुत टेस्ट बनी है। आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करिए, ये खीर गरम गरम खाए तो बहुत टेस्ट रहती। अल्लाह हाफिज़, लाइक करिए, शेयर करिए।